प्रधान डाकघर गोलघर में सुकन्या समृद्धि महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नगर निगम के प्रवर्तन दल के कर्नल सीपी सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कर्नल सीपी सिंह ने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 250 रुपए में 10 वर्ष तक की बालिकाओं का खाता डाकघर में खोला जा सकता है। इस योजना के माध्यम से छोटा निवेश करके अपनी बच्ची की पढ़ाई और शादी के लिए एक अच्छी रकम की व्यवस्था कर बच्ची का भविष्य संवारा जा सकता है, जिसका लाभ बच्चों के बड़े होने पर मिलता है। यह सरकार की बेटियों के लिए बहुत अच्छी योजना है, जिसका सभी लोगों को लाभ लेना चाहिए। इस अवसर पर प्रधान डाकघर के पोस्टमास्टर विनय वाछड़े, सहायक पोस्टमास्टर आनंद सिंह, संजय त्रिपाठी, नीरज गुप्ता और वेद प्रकाश यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर निगम प्रवर्तन दल के कर्नल सीपी सिंह ने कहा, सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च किया गया। आज के इस दौर में उसके जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु होने तक भारतवर्ष में किसी भी निकटतम डाकघर में या सरकारी बैंक में जाकर के योजना का शुभारंभ कर सकता है। उस बालिका के नाम से खाता खुलवा सकते हैं। मात्र 250 रुपए 250 रुपए मात्र से खाता खोला जा सकता है। उसके लिए आवश्यकता मात्र बालिका की जन्म प्रमाण पत्र की है और उसके अभिभावक या लीगल गार्जियन जो भी हैं उनके अधिवास प्रमाण पत्र की, पहचान प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। एक फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च के क्लोजिंग ईयर्स में उसका जो निवेश का सीमांकन किया गया है मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इसके बीच निवेश किया जा सकता है। ये स्कीम ऐसी है जो बहुत कम निवेश करके अच्छा, जैसे 1000 रुपए प्रति माह का अगर एवरेज निवेश कर दे तो लगभग 5,38,000 या 5,44,000 लगभग पूरा अमाउंट 21 साल की उम्र में उसको मिल सकता है। बड़े निवेशक के लिए भी बहुत ही अच्छी योजना है। मैंने कई एग्जाम्पल देखे हैं, हम लोग जब जाते हैं क्षेत्र में कि लोग 1.5 लाख रुपए 1 अप्रैल को डिपॉजिट कर देते हैं और आप समझिए उनको कम से कम 67 से 68 लाख रुपए मैच्योरिटी पर मिलेगा। डॉक्टर बनेगी, वेरी नाइस। माता पिता और अभिभावकों का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। लाभ देने का मन बनाया है अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार की इस योजना से जुड़े हैं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम बालिकाओं के लिए हो रहा है, जो छोटी नन्ही नन्ही जो बालिकाएं हैं, बच्चे हैं। एक्चुअली ये कार्यक्रम है सुकन्या समृद्धि महोत्सव, एक अपना यहाँ का जो हमारा गोरखपुर शहर का जो हेड पोस्ट ऑफिस है उसके जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट मास्टर हैं मिस्टर मनीष कुमार जी और हेड जो पोस्ट ऑफिसर हैं हेड पोस्ट मास्टर श्री विनय कुमार वैष्णव जी और इनके जो पीआरओ हैं संजय कुमार राय जी, इन्होंने कल बड़ी शॉर्ट नोटिस पे मेरे भी बड़े व्यस्त कार्यक्रम रहते हैं तो इन्होंने कल हमें रात में सूचित किया कि सर एक बहुत बड़ा आयोजन हम लोग कर रहे हैं, सुकन्या समृद्ध महोत्सव मना रहे हैं। तो मेरा भी बड़ा अच्छा लगा कि हमें अपने इस प्रोग्राम में इन्वाइट हमें कर रहे हैं। रीज़न क्या था कि जैसे वर्ड वाया सुकन्या समृद्धि महोत्सव
तो चूंकि मैंने भी अपनी पोती के लिए ये स्कीम ली है तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आज हमें आप बुला रहे हैं तो मैं ज़रूर उसमें शिरकत करूंगा। मेरे बाद काफ़ी एनकोचमेंट के कार्यक्रम थे, मैंने सुबह हासूपुर में था वो छोड़ के और इनके लिए मैंने अपना समय निकाला। समय इसलिए निकाला, मेरा खुद का भी लगाव था कि बच्चों का कार्यक्रम है एंड मेरे को आना चाहिए। आज यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है, ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं कि हमारे साथ एक बच्चा हैं, इसमें ये बालिकाएँ हैं, उसमें एक सायरा बानु बच्ची है, एक मानवी त्रिपाठी जी हैं। जब इनसे मैं मिला, इनको तो पता नहीं बट इनको ये पता है कि ये जो पैसा जो हमारे लिए लगाया जा रहा है वो आगे चल के हमारे भविष्य में काम आएगा। तो एक से एक बच्ची से त्रिपाठी से पूछा, मानवी से, कि बच्चा तू क्या बनेगा? वो बोला साहब मेरे को पुलिस ऑफिसर बनना है। तो बड़ा प्रसन्न होता है कि बच्चे को अभी से पता है कि मेरे माँ बाप जिन्होंने अपना बमूल पैसा हमारे लिए लगा रहे हैं ये आगे चल के बहुत काम आएगा। दूसरी एक बच्ची थी सायरा बानू, मैंने उससे पूछा बेटा ये जो तुम्हें स्कीम तुम्हारे माँ बाप ने ली है आप क्या बनोगी? बोलती मैं डॉक्टर बनूंगी। तो ऐसे जो इनके हम पहली चीज़ तो इनके माँ बाप को मैं बहुत बहुत उनका आभार जताऊंगा कि जो इन्होंने ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम ली और जैसा अभियान चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है और माता पिता रुचि लेके अपनी बालिकाओं के लिए। और आपको ये हम बताना चाहेंगे कि ये जो बालिकाएँ हैं यही भविष्य हैं देश की, इन्हीं और ख़ासतौर से कन्याएँ, कन्याएं के प्रति बहुत हम लोग को अपार प्रेम होना चाहिए, बहुत इनको इतना प्यार करना चाहिए, ये शुद्ध रूप से देवी हैं। अभी देवियों को अभी आगे नवरात्रे आने वाले हैं, हम लोग सिर्फ 9 दिन देवियों की इज्जत करते हैं, इसके बाद भूल जाते हैं कि ये देवी हैं क्या हैं। हमारा एक ही है मेन चीज़ है आपकी बालिकाएँ, बालिकाएँ हर रूप में हैं, आगे चल के वो कभी पत्नी बनेंगी, फिर माँ बनेंगी, फिर वो दादी बनेंगी, फिर नानी बनेंगी, तरह तरह के रूप इनके हैं। तो इनको बहुत प्यार करना चाहिए, इनके लिए जितना हम कर सकें वो हमें करना चाहिए।